स्वयं लल्ला हमारे लिए प्यार है, आपके लिए व्यापार है। प्रभु रामचंद्र हमारे लिए नीति है, आपके लिए राजनीति है। देखो वो दीवानों, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। जनतंत्र को ही धोखा है ये, इसलिए राम राज्य नहीं है भैया। या तो चीफ जस्टिस को भी हटाया जाता है। 43% अगर मराठी है, वोटर है, तो मराठी वोटरों में विभाजन कर रहा है। ना तो कोई उद्योग लाया, जो है आने वाले पे उसको भी भगा कर दिखे गए। पूरे विश्व में मंदी चल रही थी, रिसेशन चल रहा था, उस वक्त हिंदुस्तान बच कर रहा बिकॉज ऑफ मनमोहन सिंह। तो महाराष्ट्र का अन्य है, हम महाराष्ट्र के प्रत्येक मानसावर सा अन्य है। हमने भाजपा को छोड़ा है, हमने हिंदू को नहीं छोड़ा। अरविंद सावंत जी, पूर्व मंत्री, सांसद, दक्षिण मुंबई से शिवसेना उद्धव भाला साहब ठाकरे के प्रत्याशी और उद्धव ठाकरे के वो सहयोगी, जब मातोश्री को चुनौती देने की कोशिश की गई, भाला साहब ठाकरे का ये जाबाज सिपाही तलवार लेकर मैदान में उतरा और सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया। आज हम लोगों के बीच में है, दक्षिण मुंबई प्रतिष्ठापुर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार चुनाव मैदान में गए, नवभारत और नारा कार्यालय आए, मैं आपका स्वागत करता हूं। और हम यहीं से शुरुआत करते हैं राम पर, या अभी आपने कहा कि नहीं, आपने मुझे मैं जो अपने प्रकाशित किए हुए किताबें बताई तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये आपने राम राज्य की एक किताब छपी। तो मेरा राम राज्य है क्या भैया? राम आपके लिए प्यार है, दूसरे बाद में बताया, राम राज्य है क्या? ये राम राज्य लिखा है आप, रामचंद्र जी का अयोध्या में मंदिर होना चाहिए, इस विषय को लेकर वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने आवाज उठाई, का तीन मंदिर की बात की थी, उस वक्त की बात है। और जब बाकी सारे संघर्ष आपको मालूम है, पहले क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ, अब उसके बाद में भूल गए हम लोग। आप जरा ध्यान से देखना, भूल गए हम लोग। तब आदरणीय उद्धव साहब ने सोलापुर में एक मीटिंग हुई थी, तब उन्होंने कहा कि भैया सरकार ने कुछ लोगों को वचन दिया है अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, तो उन्होंने फिर नारा दिया, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब लगी, अब तारीख नहीं बताएंगे, एक बार बोल के छोड़ा नहीं उन्होंने, पीछे पड़े आप लोग। और उनकी मांग थी कि कानून बनाकर मंदिर बनाओ, तो कानून बनाकर मंदिर नहीं बनाया, यहां वहां इधर उधर उधर कोर्ट में गए, कोर्ट कचेरी करते रहे, जबकि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मुखिया, सद्भाग्यवश मैं कहता हूं, मुस्लिम होने के बावजूद इतिहास का अच्छा संशोधक है, उन्होंने सारे आपके पास प्रूफ दिए कि कैसे नीचे मंदिर था। अब वही बात, चलो क्यों नहीं कानून बनाते हो, कोर्ट के जरिए हमें निर्णय मिला, कोर्ट के मिला आनंद है। लेकिन फिर उस न्यायाधीश को आप राज्यसभा का मेंबर क्यों बनाते हो? तो न्याय की प्रक्रिया में भी जो न्याय मिला, उस न्याय में भी एक पूरा आनंद लेने के लिए आपने लोगों के मन में शंका पैदा करने वाला कदम उठाया। अब रही बात, हाल ही में उन्होंने बजट का सेशन था आखिरी, तो एक दिन पूरा राम अयोध्या के मंदिर पर लोकसभा में चर्चा रखी, मुझे तो बोलने का देने का ही नहीं उनका तय हुआ था, लेकिन इतना समय कौन कौन बोलेंगे, मैं खड़ा रहा। मैंने बोला, प्रभु रामचंद्र जी क्या आप बारे में बोलते हो, आप मुझे कभी भी अचरज लगता है कि प्रभु रामचंद्र जी कैसे थे, तो सत्यवचनी, एक वचनी, एक पत्नी, आज्ञाधारक, पितृ मातृ भक्त थे, इसमें से आप क्या है बताओ, इसमें से आप क्या है? तो वो आज्ञा लेकर उन्होंने अपनी सौतेली मां से पूछा नहीं, ना अपने पिताजी से सवाल पूछा, क्यों सौतेली मां का सुनकर मुझे वनवास में भेज रहे हो? तब ना तो लक्ष्मण को जाने के लिए कहा था, ना सीताबाई को कहा था, इन दोनों साथ गए। अब वनवास में उनके साथ में हनुमान जी मिल गए। अब हनुमान जी साथ में रहे, एकदम एक निष्ठा, निष्ठा नाम का शब्दोच्चार करने के लिए भी हनुमान जी से सीखना पड़ेगा, लक्ष्मण की जान बचाने वाले हनुमान जी, कोविड की लस हमने भी बोलने वाले नहीं थे वो,
ये दवा मैंने लाई, ये सिरप हमने लाया, कर्तव्य है मेरा, तू कर्तव्य निभाया। हम सराहना कर रहे, उन्होंने खुद की सराहना नहीं की, ना लक्ष्मण ने, वो हनुमान जी ने की। फिर रावण को वहां पराजित किया, लंका जीती। लंका जीतने के बाद भी हनुमान जी नहीं बोला कि मेरी वजह से लंका जी जीती, लंका आग तो मैंने लगाई लंका को, नहीं कहा ऐसा उन्होंने। और उसके बाद भी प्रभु रामचंद्र जी वो जीतने के बाद भी उन्होंने भी खुद नहीं कहा कि लंका का राजा मैं हूं, अभी मैंने जीता है। उन्होंने विभीषण के पास कारोबार सौंप दिया। वही प्रभु रामचंद्र जी ने जब किष्किंधा की लड़ाई हुई तो सूर्यवाली भाई थे लेकिन एक आसुरी था, जैसे हमारे मित्र आसुरी है वैसे वो आसुरी था। तो आसुरी को पराजित करने के लिए प्रभु रामचंद्र खड़े हुए, वाली का वध हुआ, फिर भी प्रभु रामचंद्र जी ने नहीं कहा कि मैं किष्किंधा का राजा हूं। उन्होंने वो कहा कि किष्किंधा सुग्रीव के पास सौंप दी। अब ये त्यागी प्रभु रामचंद्र और हम लोग जय श्री राम करके भोगी रामचंद्र और राम राज्य वाले, इसमें फर्क है ना। तो मैंने उसमें आगे आखिरी चार पंक्तियां कही, बोला मैंने कहा कि राम लल्ला हमारे लिए प्यार है, आपके लिए व्यापार है। प्रभु रामचंद्र हमारे लिए नीति है, आपके लिए राजनीति है। प्रभु रामचंद्र हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, आपके लिए प्रचारोत्तम है। और इसलिए भैया मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, देखो वो दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। ये कहने वाला अरविंद सावंत, पार्लियामेंट में मैंने बात की है। सावंत साहब, दक्षिण मुंबई से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बन गई, जो पिछली बार जो आपके साथ थे और जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे थे, आज साथ वाले के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो जिसके विरोध में लड़े थे वो लोग आपके साथ। विचारधारा के हिसाब से भी देखा जाए बहुत बड़ा वर्ग रहता है आपके क्षेत्र, हम भेदभाव की बात नहीं करते, लेकिन वो वर्ग आपसे दूर था, आज आपके साथ है। कैसा लग रहा है चुनाव लड़ने में? मुझे आप लोगों का एक आश्चर्य लगता है, आश्चर्य होता है कि आप ये कहते हो कि आप वो जो साथ में थे आज अकेले हो। तो 2014 की विधानसभा में कौन साथ छोड़कर गया था? तभी भी हम अकेले लड़े। 2014 के लोकसभा चुनाव में हम गठबंधन में लड़े, युति में लड़े, सरकार केंद्र में आई। केंद्र में सरकार आने के बाद में क्या हुआ था? चार महीने के बीच में हिंदुत्व के ऊपर अगर नींव किसने डाली तो वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने नींव डाली। 1984 में हम जब उपचुनाव लड़े तो ये नारा बाला साहब ने दिया, गर्व से कहो हिंदू है, तब ये हमारे खिलाफ थे। हमारे दोस्त प्राणलाल होरा उनका कैंडिडेट था, जनता पार्टी बनी थी, जनसंघ नहीं था। बाद में ये जनसंघ के बाद जनता पार्टी बनी थी, भाजपा नहीं था। तो ये उस वक्त उन्होंने महसूस किया कि हिंदुत्व के ऊपर भी लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। तब जाके बाला साहब के पास आए, फिर हम लोग इकट्ठे आ गए, सब हुआ। इतिहास आपको इधर बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी 2014 में बाला साहब गुजरने के बाद में 2014 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का और लोकसभा का, तब तक तो उनको आत्मविश्वास नहीं था। तो लोकसभा में हम इकट्ठे लड़े, सरकार आई, वहां 15 लोग हम लोग थे। इतना होने के बाद में चार महीने में क्या हुआ था? क्योंकि एक बेस ध्यान में रखना, आप अब बुजुर्ग हो, इसमें अभी में राजनीति की आपका ज्ञान भी है, कुछ चीजें भूलना नहीं चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा शत प्रतिशत भाजपा। इस नारे का मतलब क्या पता है? इस नारे का मतलब कोई दूसरा अस्तित्व ही हम मानते नहीं, सौ अकेला, हमारी पार्टी नहीं। अभी आजकल तो मैं, मेरी गारंटी, पार्टी बेटी की गारंटी नहीं है, वो छोड़ो, तो अकेले की है वो, चल दो। तो वो उसका बेस है, उसकी नींव है विचारधारा की, वो जो विचार है शत प्रतिशत हम। तो उन्होंने सोचा चलो 2014 तक तो विनम्रता से आए, इकट्ठे आए, लड़े, जीते। जीतने के बाद में उनका रवैया बदलने लगा और 2014 के विधानसभा में कुछ भी कारण नहीं था जब ये बना ना, तभी भी बाला साहब कितने उदार मतवादी थे। उन्होंने क्या कहा, महाराष्ट्र मैं देखूंगा, राष्ट्र आप देखो। अब सभी लोग जानते हैं शिवसेना कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक है। आज भी कश्मीर में जाकर देखो,
हमारी शिवसेना बालासाहेब ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना कितनी एक्टिव है, आज भी जाकर देखो, यूपी में देखो, बिहार में देखो। हम चुनाव में लड़े क्योंकि बालासाहेब कहते थे नहीं वो अपने हिंदुओं में बंटवारा होगा, अच्छा नहीं होता, छोड़ दो, नहीं लड़ेंगे। ये भावना थी कि महाराष्ट्र में देखूंगा, इसलिए हम 171 जगह फिर भी 100 के कम ज्यादा लड़ना चाहिए था, छोड़ो उसमें भी हमने त्याग किया हुआ है। 171 जगह में कितने उदाहरण दे सकता हूं, जबकि उनके पास जिला परिषद के लिए उम्मीदवार नहीं था, पंचायत के लिए उम्मीदवार नहीं था, इवन विधानसभा के लिए उम्मीदवार नहीं थे। शिवसेना के आदमी को लेने का और कहने का, अरे क्या होता है आप ये कहना, उधर से लड़ा क्या, इधर से लड़ गया, सीट तो हमारे पास, आ जा, उम्मीदवार हमारा, चिन्ह तुम्हारा। ये सारी कुटिल नीति, कपट नीति, कुटिल नीति से कपट नीति चलती रही। और 2014 में उन्होंने खुद कहा कि बाला साहब नहीं है, अभी यही समय है, शिवसेना को परास्त करो, हो सके तो निस्तनाबूत करो, इसके लिए अकेले में डाला। उनको लगा उद्धव जी अकेले हैं, थोड़े से विनम्र स्वभाव के, शांत स्वभाव के, चलो यही वक्त है। कुछ भी झगड़ा नहीं था, कुछ भी किसी विषय पर डिफरेंस नहीं था, तो वो कैसे लोग भूल जाते हो, आप लोग सब ये सवाल 10 बार पूछते रहते ना, वो नहीं है वो नहीं, तो तभी भी नहीं थे ना, तभी भी उनको घमंड था कि हमारी अकेले की सरकार आएगी, नहीं आई ना, सपोर्ट किसने किया हमें याद है, सरकार किसने बचाई थी विधानसभा में, पवार साहब ने बचाई, तभी पवार साहब चले आउटसाइड सपोर्ट, आवाज ही वोटो से, आवाज मतलब मतदान नहीं हुआ, अंदर कॉन्फिडेंस मोशन पे मतदान नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस मोशन पे सरकार चली 105 वाली। फिर अरे नहीं नहीं हम लोग तो प्राकृतिक मित्र है, काहे का प्राकृतिक मित्र, कोई मित्रता कोई प्राकृतिक और प्राकृतिक होती है क्या, मुझे तो कभी समझ नहीं आई। फिर यही डैडी वालों को अपने वो बनाया था, विपक्ष का नेता बनाया था, 2-3 महीने के बाद में चलता रहा, ये तो मास्टर है ना, ये लोग फोड़ तोड़। देवेंद्र जी ने अभी अभी बोला मैं वापस आया, लेकिन आते से दो पार्टी तोड़ के आया। तो वही तो काम चला, और उनको बोला कि नहीं नहीं आ जाए सरकार में, आ जाए क्या होता है, विपक्ष में बैठ के मंत्री बनो। यही लोग हमारे उद्धव साहब के पीछे पड़े, जबकि उद्धव साहब जाने के लिए तैयार नहीं थे। अब गए 6 महीने के बाद में हम लोग गए, तो मुझे लगता है अक्टूबर में चुनाव होगा, दिसंबर जनवरी के बाद में हम लोग वापस उनके साथ में गए। 2015 से लेकर 18 तीन साल में इतने अनुभव आए, उस अनुभव को लेकर यही शिंदे वहां कल्याण डोंबिवली की महानगर पालिका में कहने लगे, उद्धव साहब कैंपेनिंग है, प्रचार सभा चलानी चाहिए, उद्धव साहब ये बहुत परेशान करते हैं, गरीबों का काम करने नहीं देते, मैं इस सरकार में नहीं रह सकता, इनके मांडी को मांडी लगा के मैं नहीं बैठ सकता, मेरा इस्तीफा ले लो। भरी सभा में ये शिंदे का निंदे जो भी है उसने वहां इस्तीफा दे दिया, भरी सभा में देवेंद्र जी के खिलाफ उद्धव साहब ने 2018 के अंत में गोरेगांव में जब हमारा एक सेशन हुआ तो उन्होंने कहा कि 25 साल हमारे सड़ गए, नहीं जाएंगे इनके साथ। फिर 2019 में इनको पता चला, जैसे अभी पता चल रहा है गिरने वाले हैं, कम आएगा आंकड़ा नहीं आएगा, अमित शाह जी खुद आए मातोश्री पर, आए ना, आकर हुआ। उसके बाद भी जो वो आपको इतिहास मालूम है, उन्होंने शब्द दिया कि हम लोग विधानसभा में भी बंटवारा करेंगे, जगह का बंटवारा इक्वल होगा, सत्ता पद का बंटवारा इक्वल होगा, मुख्यमंत्री पद भी 2.5 वर्ष आपको, 2.5 वर्ष। ये बात को अगर आपको वेरीफाई करनी है तो आज भी आर्काइव में जाओ, अमित शाह जी मातोश्री से बाहर निकलने के बाद में उद्धव जी फिर सामने आए हुए शिवसैनिकों को संबोधित कर रहे और कहने लगे क्यों मैंने हाँ कहा, तो भैया चलो मैंने बाला साहब को एक वचन दिया था कि एक शिवसैनिक को मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा, वो वचन पूरा हो गया क्योंकि अमित शाह जी ने मुझे शब्द दिया है 2.5 वर्ष के लिए आपका मुख्यमंत्री बनाऊंगा। दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, बाजू में अमित शाह जी बैठे हैं, सारे दानवे हैं, उद्धव जी सब कुछ है, उन्होंने खुद का सीटों का बंटवारा इक्वल होगा, सत्ता पद का बंटवारा इक्वल होगा, किसने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने कहा ना, तो सीटों का बंटवारा इक्वल हुआ। बंटवारा होने के बाद जो भी आया हमारे हाथ में उसमें से कितने लोगों को गिराने की कोशिश आपने की,
जब पता चला भाई पार्लियामेंट में लोग हमें पूछते थे अरविंद जी क्या होगा, बोले बहुत अच्छा होगा, गठबंधन बना है क्या होगा, बोले 200 तक जाएंगे, क्या बात करते हो, हाँ बीजेपी जाएगी 100 के ऊपर, हम जाएंगे 85 तक, 85-90 तक, तो जाएंगे 200 तक जाने की उम्मीद है। ये मतलब हमारा भोलापन, सोचो हमारे दिल की जो बहन जो बात हम कहते रहे, इन्होंने एक एक वो बराबर जितना भी बगावत की, वो बगावत करने वाले सारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे या पद पर रहे, उन्होंने बगावत की और शिवसेना के प्रत्याशी को गिराने की कोशिश की, तब हम 85 की जो अपेक्षा कर रहे थे वो 56 में आ गए, ताकि आगे चलकर उनका दिमाग में था 85 आ गए तो क्या होगा। उप मुख्यमंत्री 1995 में भी तुम आए तो उप मुख्यमंत्री दिया ना, 2014 में दिया नहीं दिया, यही तो फर्क है आप में और हम में। और 2014 की एक खास बात बताता हूं आपको, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पूरी परास्त हुई थी, इतनी बुरी तरह हाल हुई थी कि विपक्ष का नेता भी कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकी, 44 पर अटके हुए थे। विधानसभा के चुनाव 4 महीने के बाद में आए ना, तो मोदी साहब ने 27 रैली किस लिए ली महाराष्ट्र में, किसको हराना था, किसको हराना, तो गठबंधन में थे ना, हराना किसको था, तो इसीलिए गठबंधन तोड़ दिया, 27 रैली ली ताकि पूरा राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, शिवसेना खराब करो, जिसके कंधे पर चढ़कर तुम इतने बड़े हुए हो, बचाया भी तुम बाला साहब ने ना, तो घर रहते थे आप खुद, इतने कृतज्ञ लोगों से टूट गए तो क्या हुआ, पुरोहित की मर्जी अच्छा हुआ, वो कृष्ण भगवान के जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा। सर जिस तरह से पार्टी उड़ी गई, तो क्या लगता है कि जो शिवसेना का कोर वोट बैंक है उसको भी तोड़ पाएंगे? पहली बात आप इसको तकनीकी रूप से भी पहले देखो, कोई भी पार्टी पार्टी होती है, आपका ये समझो नवराष्ट्र है या नव भारत है, इसके ओनर अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, और आपके ये सारे पत्रकारों की एक फौज होती है, इसमें जो 2-4 पत्रकार या ज्यादा समझो 8 पत्रकार उधर नव भारत का मालिक बन गए क्या बोलो, नहीं ना मालिक मालिक है ना, तुम छोड़कर गए हो, हमने तो तुमको भगाया नहीं था ना। दूसरी बात है उनके कार्यकाल की सीमा है ना विधायक की, वो विधायक अभी मुझे टिकट किसने दी, पार्टी दी ना, एबी फॉर्म पर साहब 10 किस किस किए, उद्धव साहब के ना, उद्धव साहब ने मुझे प्रत्याशी बनाया, अब प्रत्याशी होंगे तो 5 वर्ष का मेरा कार्यकाल है, पार्टी तो अखंड चलती है अविरत चलती है, तो उसको पार्टी को कैसे दे सकते हो आप, पार्टी का नाम अच्छा पार्टी का हायरार्की है ना, अध्यक्ष है कार्याध्यक्ष है सब सेक्रेटरी है ट्रेजरर है सारे लोग है ना, उसके बावजूद मेंबर्स है, अच्छा ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन ने खुद मांगी, हमने दे दी कि बोलते हम प्रोफॉर्मा देते हैं उसी प्रोफॉर्मा में भरो, उस प्रोफॉर्मा में भर के सारे ऑफिस वालों के दे दिए, 4 लाख के ऊपर हमने मेम्बरान की वो भी सब दे दिए, सब दे 20 लाख मेंबर 4 लाख ऑफिस बैलर दे दिए, सब होने उनके पास कुछ भी नहीं था, तो गुलाम ही ना इलेक्शन कमीशन, तभी तो कानून भी बदल रहा ना, अभी चीफ जस्टिस को हटा दिया, जनतंत्र को ही धोखा है ये, इसलिए राम राज्य नहीं है भैया, या तो चीफ जस्टिस को भी हटाया जाता है तो राम राज्य कहां रहेगा। तुम्हारा ऑफर होती गई तुम्हारा प्रयत्न पण नाही केला कधी, शिवसेना प्रवचन शपथ घेऊन जाऊ, हल्ली माहिती ना परवा मी मला हसू आलं, त्या माननीय मोदींनी एक मराठी सांगितली म्हणे म्हण सांगतो, कडू कारण तुपात तळलं साखरेत गोळलं त्यासले आम्ही कडू, साखरेत गोळलं तुपात तळलं आम्ही कडू ते कडूच, कडवट म्हणजे कडवट आम्ही ना जाणार कधीच कधी कधी, तर आपण ट्रान्सपरंट आणि बोल्ड होतो, आपलं कधी हातरा लावून तुमच्याकडे कधी चमच्यावर पाणी नाही मागितलं आम्ही। आपके क्षेत्र में मराठी बाहुल्य आपका निर्वाचन क्षेत्र है, तो अगर मनसी अगर भाजपा को सपोर्ट दे रही है तो मराठियों के वोट बैंक का बंटवारा जो होगा कितना असर डालेगा आप पर, और हिंदी भाषियों के वोट पर भी जरा बताइए। चलो दोनों तरफ से आपने अच्छा बता दिया, पहली बात ऐसी है कि नहीं, इसलिए महाराष्ट्र धर्म की बात की, ऐसे दयावे तड़ाखे मगल निर्माण होते धाके असं ते स्वामी म्हणायचे, तर तडाखे देण्याची आवश्यकता असते काय वेळेला,
और एक बात जरूर कहूंगा कि इसमें जो आपने कहा यही तो उनका मकसद है कि यहाँ 43% अगर मराठी है वोटर है तो मराठी वोटरों में विभाजन करना है, इसलिए तो अब तक घोषित नहीं कर रहे ना, सोच रहे कोई दूसरे समाज का आ गया तो क्या होगा, मराठी आया तो क्या होगा। अब ये जो जिसका नाम आपने लिया जिन्होंने विदाउट कंडीशन सपोर्ट दे दिया है क्या फर्क पड़ेगा, पिछली बार अब लोगों ने जान दिया सब, एक कभी कभी सोशल मीडिया का एक एडवांटेज बहुत हुआ, लोग अभी जानते फर्क भी लगे, पहले अखबार देखो टीवी देखो कुछ नहीं तुम कुछ मत बोलो मुझे बाद में तू क्या करता है तुझे बात है आपको मालूम है तू कैसे पता है ऐसे बोलेगी मुंह पे आपकी, तो लोग जानते हैं। आपने एक दिन एक जमाने में मोदी साहब की बहुत सराहना की, दूसरे चुनाव में आपने मोदी साहब की टिक्का टिप्पणी की आलोचना की शरद पवार साहब की सराहना की, अभी आप शरद पवार साहब के खिलाफ गए मोदी साहब की फिर सराहना करोगे। इन अंग्रेजी में कहावत है वेवरिंग माइंड, इट्स अ वेवरिंग माइंड, इट्स डजंट शो द लीडरशिप। ये कड़वापन जो होता है ना बहुत यू नो थोड़े देर के लिए तकलीफ होती है लेकिन लंबे समय में उसका मजबूती मजबूत हो जाती है। ये इस तरह से आज एक कल एक परसों एक, अब उनके जो कार्यकर्ता है जाकर पूछिए ना दुखी है कि नहीं, दुखी है ना भाई। राजनीतिक दलों में कोई काम करता है तो राजनीतिक विकास भी चाहता है, वो चाहता है राजनीतिक कहीं जाओ मैं पार्षद बनूं विधायक बनूं या कहीं और कमेटी में काम करूं, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। कुछ लोग है गिने चुने जो कह सकते एक्सीडेंटली इधर आ जाते हैं, वो समाज के इसीलिए तो विधान परिषद बनाई ना, राज्यसभा क्यों बनाई, क्योंकि सरकार चलाने में कुछ लोग उसमें जो विद्वान लोग हैं उस विषय पर। देखो मनमोहन सिंह आपके सामने एक उदाहरण है, मनमोहन सिंह राजनीतिक दलों में काम करते थे क्या, रिजर्व बैंक के गवर्नर है, और वो कभी नहीं भूलना कि जब पूरे राष्ट्र में, राष्ट्र क्यों अंतरराष्ट्रीय दल पूरे विश्व में मंदी चल रही थी रिसेशन चल रहा था, उस वक्त हिंदुस्तान बचकर रहा बिकॉज ऑफ मनमोहन सिंह, इकोनॉमिस्ट है ना। अभी वो कोई चुनाव लड़के आएगा, ऐसे लोग चाह देश के लिए जरूरत होती है तो ऐसे लोगों की जरूरत है, तो पार्टी एकाध भाई विद्वान ने ले लिया। लेकिन राजनीतिक दलों में काम करने वाला उसको कुछ समझ में नहीं आता ऐसे नहीं समझो, मैं उल्टा कहता हूं एक बार डिग्री वाला नहीं समझेगा उतना राजनीतिक दल का आदमी समझेगा, क्योंकि उसका व्यावहारिक ज्ञान ज्यादा होता है। और ये अभी देखा ना अंधेरी का ब्रिज, इंजीनियर हो ना तुम क्यों उल्टा सीधा हो गया, व्यावहारिक ज्ञान की कमी। भारतामध्ये विकास काम प्रगतिशील केलेले आहेत आणि पुन्हा आम्ही विकासाच्याच नावावर सत्ता असं असताना महाराष्ट्रातले उद्योग धंदे गुजरातमध्ये जात आहेत, परकीय चलन जे राष्ट्रामध्ये राहतो ते गुजरातमध्ये चालतो असा आरोप आपण वारंवार करताय, किती सत्य आहे? 100% सत्य आहे ना। तुम्हाला नाही वाटत की मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे, त्या आर्थिक राजधानीमध्ये इन्स्टिट्यूट ऑफ फिनान्शियल सर्व्हिस सेंटर IFSC हे जे सर्व्हिस सेंटर आहे हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची संस्था असते, ती देशामध्ये मुंबईत होती होत होती म्हणजे होणार होती, तुम्ही गिफ्ट गिफ्ट को गिफ्ट दे दिया IFSC। तुम्हाला वाटत नाही मराठी महाराष्ट्रावरचा अन्याय हा मुंबईवरचा महाराष्ट्रावरचा अन्याय, आणि महाराष्ट्रावरचा अन्याय हा महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणसावरचा अन्याय, तो कुठल्या जातीचा पातीचा पंथाचा धर्माचा प्रांताचा पण असू द्या तो इथे जगतोय ना त्याच्यावर होणार अन्याय। तुम्ही टाटा एअरबस घेऊन गेलात, तुम्ही वेदांत फॉक्सकॉन घेऊन गेलात, तुम्ही मेडिकल डीएस पार्क घेऊन गेलात, तुम्ही बल्ड ड्रग पार्क घेऊन गेलात, तुम्ही डायमंड बाजार घेऊन गेलात, तुम्ही वर्ल्ड कप पण घेऊन गेलात ना, काय झालं? हा अन्याय नाही? बोलतात का बघा लाचार सगळे ईडीचे लाचार नाही लगता या गुजरात का विकास होला भी चाहिए कोण नाही कहता, वो राज्य के हमारे दुश्मन है क्या? लेकिन यहां से हमारे थाली में से छेद देकर क्यों करते हो आप? करो ना और भी कोई प्रधानमंत्री, वही दुनिया भर के लोग आते वही झूले पे बैठते रहते नर्मदा का पानी देखते, तो वही झूले पे बैठा उनको, हमें क्यों यहां से तकलीफ देते हो, हमारी थाली में से क्यों छेद करते हो?
ये जो सारी चीजें है ना, वही तो इस महाराष्ट्र पर अन्याय है। ना तो कोई उद्योग लाया, जो है आने वाले उसको भी भगा कर लिखे गए। इनके शर्म आनी चाहिए। 400 रुपया सिलेंडर था तब, वो हमारी बहन स्मृति ईरानी रस्ते में बैठती थी, चिल्लाती थी, सिलेंडर पे बैठते टपा टपा बजाती थी। साला 1100 रुपया हो तो घर भी चुप कर बैठे हो। ये इन्होंने ये सत्य लक्षण दिया आणि याची राग आहे महाराष्ट्रातल्या लोकांमध्ये। ती लोक ती राग आहे ना, तो राग मराठी माणसापुरता मर्यादित असता कामा नाहीये। तो उत्तर भारतीय असू दे, तो कोणी असू दे, तो मुंबईत जगतो ना त्याला राग आला पाहिजे, तो महाराष्ट्रात जगतो त्याला राग आला पाहिजे। कारण त्याच्या या सगळ्याचा साईड इफेक्ट हा त्याच्या उद्योगावर होतो। एक पुरानी बात बता देता हूं, ये सारा टेक्सटाइल मिलों का एरिया था। हमारे बचपन में हम लोग वहां दशहरा पे दिवाली में जाते थे, अंदर मिल में बोनस घोषित होता था। तो ये अखबार है ना, रोज आज टाटा मिल ने इतना दिया, दिग्विजय मिल ने उतना दिया, आईटीसी ने इतना दिया, खबरें आती थी 20% 25% पैसा मार्केट में आता था, चलन होता था, धंधा। मोदी ने भी ऐसे ही था। अब जो लोग यहां व्यापारी है, छोटे मोटे व्यापारी है, उनके धंधे पे आ गई आज। छोटे व्यापारी तो बहुत तकलीफ में है जीएसटी की वजह। जीएसटी पे आवाज उठाने वाला अरविंद सावंत है, डिफरेंट इनकम टैक्स पे आवाज उठाने वाला अरविंद सावंत है, मुंबई की बंदरगाह पे आवाज उठाने वाला अरविंद सावंत है, मुंबई के टेक्सटाइल मिलों की आवाज उठाने वाला अरविंद सावंत है, मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दे ये मांग करने वाला अरविंद सावंत है, नाना शंकर शेठ जी का नाम मुंबई सेंट्रल स्टेशन को दे दे ये काम मांग करने वाला अरविंद। ये अरविंद सावंत क्यों करे, भाजपा के सांसद क्यों नहीं करते? आज उनको याद वापस सावरकर के आई, आओ 10 बरस बैठे हो भैया, भारत रत्न दे दो करके चिल्ला चिल्ला के हम दब गए, क्यों नहीं देते हो वो भी तो बताओ। यही तो है ना, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है। हर जगह सफलता है और हर जगह कपट नीति है। राजनीति नहीं है, राजनीति सबल जमूंगा, कपट नीति है। सर यही मूल आरोप यही लग रहा है कि बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व की विचारधारा थी उसको माननीय उद्धव जी ने बगल कर दिया और वर्षों वर्ष जिससे विचारधारा से जिससे कभी मेल नहीं खाया उनके साथ जाके बैठ गए हैं। तो इससे वोटरों में जो असमंजस की स्थिति हो सकती है या समर्थकों में या शिवसैनिकों में, इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है? इसका पहला जवाब मैंने 2014 की याद दिलाई आपको, तभी हिंदुत्व कहा गया था। आज हमें सवाल पूछ तो हमको छोड़कर गए थे, तभी हिंदुत्व कहा गया था। हम पाकिस्तान उनके ऊपर क्यों नहीं आरोप लगाया? भैया हिंदुत्व की बात करते हो, हिंदुत्ववादी पार्टी को छोड़कर तुम जाते हो, ये पहला। दूसरी बात कि आपने मुफ्ती अहमद सईद के साथ सरकार बने, क्या वो हिंदुत्ववादी है? क्या नीतीश कुमार जी आज भी हिंदुत्ववादी है क्या? अरे 40 साल से विधायक वालों की पार्टी के मुख्यमंत्री बनाते हो और जिनके बल पर आपकी पार्टी इस महाराष्ट्र में बड़ी पली पोसी, उस पार्टी को नेस्तनाबूद करने की कोशिश करते हो क्या? ये तुम्हारा हिंदुत्व है? एआईडीएम के साथ में आप जब गठबंधन करते हो तो हिंदुत्व कहा जाता है? जरा एक बार सनातन की व्याख्या तो बताओ, दुनिया को समझ में तो। हमारा हिंदुत्व है ना वो ये है, हमारा हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व है, हमारा हिंदुत्व सर्व समावेशक है। हमारा हिंदुत्व में बाला साहब की अभी भी देख लो, वो कहते थे इस मिट्टी पर प्यार करने वाला अब्दुल हमीद मेरा है, इस देश के लिए सेंचुरी बनाने वाला अजरुद्दीन मेरा है, किरमानी मेरा है। हमने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, ये जो तुम्हारा जो चल रहा है वो अलग है और वो हमारा हिंदुत्व है। और इसलिए उद्धव साहब ने एक कदम आगे लिया और बोले मुंह में राम और हाथ को काम, वो हमारा हिंदुत्व है। तो ये जो समझने की कोशिश करो आप, मुंह में राम हाथ को काम, ये गुणा करना, तिरस्कार करना, देश में नफरत पैदा करना, आखिर आउट ऑफ बॉक्स करके मैं कह सकता हूं, कभी देश तो सोचो क्या है, व्हाट इज द कंट्री, व्हाट डू यू मीन बाय अ कंट्री, देश मतलब क्या है, देश की जनता। अब देश कैसा है, हम विविधता में एकता ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, क्या विविधता है देश में? विविधता भाषा की है, संस्कृति की है, धर्मों की है, राज्यों की है, ये सारी विविधता है ना, यही तो बगीचा है, गुल खिले है, गुलशन गुलशन है, वो समझने की कोशिश करो, उसमें गुल देखो। तो ये मधुमक्खी का काम करो,
वो नहीं करते हो आप, अब जहर फैलाने का काम करते हो। इसलिए हमारा हिंदुत्व, हमने भाजपा को छोड़ा है, हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा। तुम्ही अजूनही शिवसैनिका आहात, शिवसेनेमध्ये तुमचा खूप मोठा अनुभव आहे, तर तेव्हाची शिवसेना आणि आताची शिवसेना काय फरक आहे, किंवा कुठली तत्व आहे जी आजही पाळली जातात? वा, शिवसेनेत कुठलाच फरक झाला नाही, कालानुरूप काही बदल होत असतात। म्हणजे जसे आपण नऊवारी साडीवरून सहावारी आलो, किंवा आम्ही लंगा लेंगा जब्बे पॅन्टवर आलो, हा फरक कालानुरूप होत असतो। एक काळ असा होता की जेव्हा समाज सुधारकांची गरज होती, म्हणजे टिळक आगरकरांचा वाद माहिती आहे ना, ऐकते का तुला? टिळक आगरकरांचा वाद काय होता? स्वातंत्र्य पहिले की सुधारणा पहिले? आगरकर म्हणायचे पहिली सुधारणा, ते राहू दे स्वातंत्र्य नंतर मिळेल, टिळक म्हणजे पहिले स्वातंत्र्य मग सुधारणा करता येईल, हा वाद होता टिळक आगरकरांचा। तसा हा वाद असतो। मग प्रबोधनकरांचं सगळं कार्य बघा तुम्ही, किंवा त्यांच्या वडिलांचं, आज प्रबोधनकरांच्या वडिलांचं पण, ते सुद्धा त्या जसा आता कोविड आला तसं त्यावेळेला त्या रोगामध्ये प्लेगाच्या साथीमध्ये स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करतो तो माणूस काम करत होता। ही जी सामाजिक सेवाचा जो धर्म आहे तो तेव्हा होता, तो प्रबोधनकरांकडे, तो बाळासाहेबांकडे आला, तो उद्धवजींकडे, तो आदितजीकडे, तशा तशी शिवसेना आहे। म्हणून बाळासाहेबांचं पहिलं वाक्य काय आहे? 80% समाजकारण, 20% राजकारण। आणि म्हणून मला बरं तुम्ही प्रश्न, मला अभिमान होतो सांगायला, देशात काय जगात एकमेव असेल संघटना की जी सातत्यानं समाजकारण थांबवत नाही। तुम्ही पा साधं एकच सांगतो, रक्तदान शिबिर, सगळ्यात जास्त रक्तदान कोण करत? कुठला पॉलिटिकल पार्टी किंवा कुठला सामाजिक पक्ष? नागपा एकमेव शिवसेना जिने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड केला, आम्ही एकाच दिवशी एकाच जागेवर 25,000 बॉटल रक्तदान करणारी शिवसेना आहे, तिने थांबवलं। राजकारण ते हरो जिंको काही असू द्या, गरिबांसाठी धावून जाणं, पूर आलंय धावून गेलो, आग लागली धावून गेलोय, गरज पडली धावून गेलोय, पाणी येत नाही धावून गेलोय, कटार तुंबले धावून गेलोय, आरोग्य हॉस्पिटलमध्ये धावून गेलोय, रक्तदान करायला धावून जातो, हे आमचं काम, आम्ही थांबले कुठे? काय फरक पडलाय? काही नाही पडला, काळानुरूप काही गोष्टी घडल्या। तिथे समाज सुधारण्याची गरज होती, मग जेव्हा काही लोक तिकडनं बांग देऊन काय वाटेल ते पाकिस्तान, ज्यांना पाकिस्तानचं प्रचंड प्रेम तू जात होत, तेव्हा बाळासाहेबांचा कडवटपणा आवश्यक होता। जशाच तस हा जो शिवसेनेचा मूळ पिंड आहे तो आजही तसंच आहे ना, म्हणून आम्ही जशाच तसं दाखवलं ना। व्होटर्ससाठी पहिली गोष्ट माही, तुमच्या कार्यालयात आले त्या कार्यालयाचं जे पत्र, मुखपत्र तुमचं जे निघत वर्तमानपत्र, त्याचं नाव आहे नवभारत, आणि दुसरं भरणीचं वर्तमानपत्र नवराष्ट्र। सध्या देशाला गरज आहे बरं का, नुसतं नव लिहून जमत नाही, नव लिहिणारे भरपूर लोक आहेत, आणि मग ते न करता हे नव राष्ट्र उभं राहिलं पाहिजे। ते राष्ट्र उभं राहण्यासाठी मी साऱ्या मतदारांना सांगेन, निर्भय बनो, पहिल्यांदा निर्भय व्हा, देशाची सुरक्षितता, देशाचं संविधान प्रचंड धोक्यात आहे। त्याचं एकच उदाहरण देतो की जेव्हा मणिपूरच्या विषयावर आम्ही अविश्वासाचा प्रस्ताव आम्हाला आणावा लागला, कारण देशाचे पंतप्रधान त्या एवढ्या दुर्दैवी घटनेबद्दल गंभीर झालेले नव्हते, आजही गंभीर नाहीत ते, आणि तेव्हा त्यांनी देशाच्या 75 वर्षाच्या इतिहासात कधी झाली नाही एवढी मोठी घटना घडली, 140 खासदारांना सस्पेंड करून टाकलं। आता 146 खासदारांना सस्पेंड केलं, तर तेवढ्या वेळात त्यांनी काही कायदे पास केले, त्यातला एक भयानक कायदा म्हणजे इलेक्शन कमिशनरला निवडायची एक समिती निर्माण केली, ती पूर्वी होती, त्या समितीमध्ये कोण होतं तर देशाचे पंतप्रधान होते, देशाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश होते, आणि विपक्ष विरोधी पक्षाचा नेता होता। यांनी काय कायद्यात बदल केला? त्या न्यायाधीशांनाच काढून टाकलं त्याच्यातनं, आणि मग कोण राहिलं? देशाचे पंतप्रधान, आणि दुसऱ्या जागी सरन्यायाधीशांच्या जागी कोणाला आणलं? अनदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राईम मिनिस्टर, म्हणजे ते ज्याला नियुक्त करतील पंतप्रधान असा एक मंत्री, असे दोन मंत्री राहतील आणि एक विरोधी पक्ष नेता आहे, काय होईल? मेरी मर्जी, यही तो गॅरंटी आहे ना, हे डेंजर गॅरंटी समजलो, आणि म्हणून ते पुतीनच्या मार्गावर चाललेले आहेत। देशाच्या संविधानाला हाच धोका आहे, संविधान बदलणं बोलण्याची जी भाषा आहे ना, 400 पार कशाला पाहिजे, संविधान बदलायचं म्हणजे काय करायचंय? दुरुस्ती तर अनेक वेळा झाल्या ना, बदल आणि दुरुस्ती याच्यातला फरक लक्षात घ्या। तो अंदाज आल्यानंतर बदलला, वेगळे शब्द वापरायला सुरुवात केली त्यांनी, हा त्यांचा हिडन अजेंडा आहे, लक्षात घेतला पाहिजे। तुम्ही सीबीआय, ईडी,
इन्कम टॅक्स नार्कोटिक सगळे गुलाम उभे केलेले आहेत. ते म्हणतील त्याला आतमध्ये, नाही म्हणतील त्याला बाहेर. आणि ज्याच्यावर कारवाई करेल त्या मग देशद्रोह. तू बोलला नाही बोलला की देशद्रोह. हे जे काही सुरू आहे ना तेच देशाच्या लोकशाहीला घातक आहे. आणि मग जनतंत्र खतरे में है, देश का संविधान भी खतरे में है. असले मैं सारे लोगों को प्रार्थना करूंगा नव राष्ट्र और नव भारत दोनों में. तो भारत आजकल भाई इंडिया नहीं, भारत बोलो वही इंडिया है, समझने की कोशिश करो. भारत में ही इंडिया छुपा हुआ है. अगर वो समझ गए तो फिर नवनिर्माण नव राष्ट्र भी हो सकता है. तो नव राष्ट्र करना है तो नव भारत में से भारत में इंडिया है और इंडिया में हम सब है. ये अगर समझ गए तो जल्दी से जल्दी नव राष्ट्र होगा. नव राष्ट्र होने के लिए मतदान करिए, वो ना भूलो, क्योंकि इतना बड़ा अधिकार बाबा साहब अंबेडकर जी ने आपको दिया. वो अधिकार, सबसे बड़ी बात उस अधिकार की है कि गरीब हो या अमीर हो सभी को एक ही अधिकार है. तू होगा कोई लेकिन फिर भी तुझे एक ही वोट है. मैं जुग्गू झोपड़ी में रहता हूँ, मुझे भी एक ही वोट है. वो एक वोट क्रांति कर सकता है. वो एक वोट देश को फिर दोबारा अच्छे रास्ते पर ला सकता है. और वो एक वोट देश को पूरी दुनिया में सम्मानित कर सकता है. ये काम आप करिए. धन्यवाद.